अरे तेरी मंकी जमना था चमक चलो एक गाना है उसके ऊपर ये देखें। अच्छा ला हौला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मुझे असल में दुख होता है मुसलमान सऊदी अरेबिया उसको हम लोग एक सिंबल समझते हैं अपने मुस्लिम कंट्री का घर है वो ही ना। तो जहाँ पे जैसे अभी मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ ना तो मुझे लोग उस बुरी नज़र से नहीं देखेंगे जितना एक दाढ़ी वाला बंदा जो काम कर रहा है। हमारी इस्लामी तालीमात हमें उसके जैसा बनने का नहीं कहती इधर और भी क्योंकि वो जो है ना वो अकलियत को तहफ़ नहीं दे रहे मुसलमानों को तहफ़ नहीं दे रहे इंडिया में बिल्कुल। वो क्यों तुमने दाढ़ी रखी हो फिर भी ये काम कर रहे हो ठीक है तो वो एक सिंबल है सऊदी अरेबिया मुस्लिम कंट्रीज के लिए। MBS की गवर्नमेंट के बाद सब कुछ सिनेरियोस बदल गए हैं वो सऊदी। जय हिंद दोस्तों। हाल ही में सऊदी अरेबिया के शेख की कुछ वीडियो खूब वायरल हो रही है जिसमें शेख भारतीय यानी बॉलीवुड गानों पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा जी इस वीडियो को देखने के बाद ना सबसे पहले तो मुझे मतलब इस चीज पे हैरानगी होती है कि सऊदी बेसिकली हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हब कंसिडर होता और जिस तरह की ये वीडियोस मतलब मंजरे आम पे आ रही हैं टिकटॉक्स पे या सोशल मीडिया पे तो सबसे पहले तो हमें लम्हा फिक्रिया है इस पे कि हमारा इस्लाम जा किस तरफ साइड पर रहा है और सऊदीया हम लोग जाते हैं अपने एक बेहतरीन काम को अंजाम देने के लिए और वो लोग जो हैं वो किस तरह की छाप छोड़ रहे हैं मुआशरे पे कि हम एक इस्लामिक रिपब्लिक हैं और सऊदीया में इस तरह की वीडियोज़ का बनना ये सिर्फ और सिर्फ सवाए नंगो आर के और कुछ नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो इस बारे में सोचना चाहिए कि हम मुसलमान हैं तो किस तरह के हैं। मुसलमानों पे जुल्म की बात करते हैं आपने 1971 में मार्च 1971 से लेकर दिसंबर 1971 में 30 लाख बंगाली मारे थे वो मुसलमान नहीं थे मुझे बताएं ना वो क्या वो कोई और थे वो भी मुसलमान थे ना। अब आप ये क्यों नहीं बताते हम कारगिल में भाग कर आए थे आप ये क्यों नहीं बताए कि हमने 97 में आपने दुनिया का सबसे बड़ा वो स्लैम अपने आप को वहाँ पर सरेंडर किया था आपके आप भी वो आज भी इंडिया के म्यूजियम में आपके 90,000 आपकी वो पत्रों ने वहाँ पर लटक रही हैं कभी वो अगर इनको फुर्सत मिले तो वो भी वहाँ से लेकर आए। जैसे कि भारतीय संगीत परंपरा संस्कृति विज्ञान आयुर्वेद एवं अन्य चीजें भारतीय विरासत की दुनिया को देन है आप जितना भी भारतीय संस्कृति में मिलजुल कर रहेंगे उतना ही आपको जीने के पहलू प्राप्त होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया अपने इस्लामिक कट्टरपंथी के लिए जाना जाता है उतना ही इस्लामिक धार्मिक स्थल का महान स्थान भी माना जाता है और कई इस्लामिक देश सऊदी जैसे देशों को फॉलो करते हैं लेकिन सऊदी के शेख अब कालानुरूप परिवर्तन करते हुए नए नए बदलाव कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया के शादी और स्थानिक प्रसंगों और पार्टियों में म्यूजिक गाने बजना आम बात है लेकिन अगर भारतीय संगीत या तो बॉलीवुड गाने बजते हैं तो ये आम बात नहीं है। दरअसल अब ये हुआ कि सऊदी अरेबिया के कुछ कार्यक्रमों में बॉलीवुड गाने पर शेख डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अब चलते समय भारतीय संगीत खाड़ी देश यूरोपियन देश में भी काफी मशहूर है और म्यूजिक को काफी पसंद किया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और सऊदी अरब के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध है जो सदियों पुराने आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हैं। सऊदी को और दुबई के जो शेख है मोहम्मद बिन जायद उन्होंने वो चेंज करना चाहते हैं सेकुलरिज्म लाना चाहते हैं लिबरलिज्म लाना चाहते हैं क्योंकि कोई भी दुनिया में अगर तरक्की करना चाहता है तो उसे आने वाले लोगों को टूरिज्म को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। क्या समझते हैं इस चीज से उन्होंने अपनी सोच अच्छी बनाई है कि गलत बनाई है? अच्छा सबसे पहले तो लिबरलिज्म जो है इसका टूरिज्म से दूर दूर तक कोई कांटेक्ट नहीं है किसी किस्म। रीजन ये है कि लिबरलिज्म मुझे बताएं कि कहाँ आपको बताता है कि जी आप अपने माशरे को लिबरलिज्म करें और फिर आपके पास जो है वो टूरिज्म और टूरिस्ट आएंगे। टूरिस्ट बेसिकली आता है अपनी नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए चाहे वो आर्टिफिशियल है चाहे वो नेचुरल है। देखिए ना अब सऊदी तो है इस्लामिक कंट्री बिल्कुल ठीक है अब वहाँ पर गैर मुस्लिम तो नहीं है। तो इधर पाकिस्तान में देखिए हर तरह की अकलियत को तहफ़्फ़ुज़ है तो उसके तरह बन के नहीं हमें अपनी इस्लामी तालीमात के ऊपर चल के तो पाकिस्तान को आगे लेना चाहिए। आपने कहा है कि यहाँ पर हर माइनॉरिटी सेव है हर अकलियत सेव है मुझे बताओ जड़ावाला में क्या हुआ? बिजनेस चल रहा है कारोबार चल रहे हैं हमारे सब बंद पड़े हैं मोदी ने काम किए हैं क्यों नहीं किए? लेकिन पाकिस्तान तो बड़ा क्रिटिसाइज करता है पाकिस्तान तो कहता है मोदी इतना बुरा कि दुनिया में कोई बुरा नहीं। लिए बुरा का अपने मुल्क के लिए सही है इतना जुल्म किया इंडिया ने। मुस्लिम कंट्री हम लोग जिसको ज्यादा करते हैं इबादत करने जाते हैं जी जहाँ पे इबादत करने के लिए जाते हैं वो सऊदी अरेबिया है
और दुख होता है कि सऊदियों को इस पोजीशन में देख के, खासतौर पर ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सऊदियों को, गवर्नमेंट ने बहुत पीछे धकेल दिया सऊदी अरब को। सर क्या वजूहत लग रही है कि वो यूरोप को फॉलो कर रहे हैं, यूरोप के कल्चर को मतलब अपने अंदर अडॉप्ट कर रहे हैं, या फिर इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं उनके जो मतलब जैसे मंदिर वगैरह है पूजा वगैरह के लिए वो उनको बुलाते हैं, तो मतलब ये चीज़ें कहाँ क्यों कर रहे हैं वो? बेसिकली वो दुबई को फॉलो कर रहे हैं, दुबई में बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस आता है, तो सऊदीया को भी ऐसा लग रहा है कि हमारा पेट्रोल पता नहीं कब तक रहेगा और पेट्रोल को हम लोग कहाँ तक इसको पीछे लेके जा सकते हैं आगे, जिससे हमारी, तो उसके लिए वो एफर्ट कर रहे हैं कि हम लोग दुबई जो है उसका सिर्फ 1% जो है वो रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं सिर्फ पेट्रोल से, बाकी 99% रेवेन्यू उनका जो है बिजनेस से आता है, टूरिज्म से आता है, बिजनेस से आता है। तो इस वजह से मुझे दुबई किसको फॉलो कर रहा है? दुबई जो है वो इसराइल को फॉलो कर रहा है और इसराइल को भी उन्होंने एक्सेस भी दे दिया दुबई के अंदर, तस्लीम भी किया, तस्लीम भी उन्होंने कर लिया, सऊदी अरब भी तस्लीम करने जा रहा है। ये फाइट स्टार्ट हो गई वरना उसने तस्लीम कर लिया। एग्जैक्टली, तो अगर हम देखें तो कहा जाता है कि सेकुलर एक कंट्री अगर हो तो दुनिया उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, मतलब सेकुलर का मतलब ये कि हर तरह का मजहब है, हर तरह का फ्रीडम है, और अगर दुनिया बाहर से किसी भी कल्चर के लिहाज से आती है तो उसको ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। लाइक जैसे हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामिक कंट्री है ना, यहाँ पर हम शॉर्ट ड्रेस नहीं पहन सकते, कोई अगर शॉर्ट ड्रेस पहन के मतलब टांगे नंगी बाजू नंगी जाएगा तो आपको पता है कि क्या माहौल और क्या मतलब उसके साथ हो जाएगा। तो इस चीज़ को दुनिया कहती है कि अट्रैक्शन वहीं भी होती है, दुनिया वहीं पर जाती है जहाँ पर सेकुलर लिबरलिज्म हो, इससे आपके क्या है? तो भाई दुनिया हमें जूती के बराबर क्यों रखती है? आप सोचे ना, हम दुबई जाते हैं, इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे हमें जूते मारते हैं कि भाई निकलो इधर से, तुम लोग भिखारी हो, तुम लोग आ गए हो। तो हमें लम्हा फिक्रिया है इस पे कि हमारा इस्लाम जा किस साइड पे रहा है, और सऊदीया हम लोग जाते हैं अपने एक बेहतरीन काम को अंजाम देने के लिए, और वो लोग जो हैं वो किस तरह की छाप छोड़ रहे हैं मुआशरे पे। सऊदी तो है इस्लामिक कंट्री, ठीक है, अब वहाँ पर गैर मुस्लिम तो नहीं आएंगे, क्या करने आएंगे जब उनका कोई वहाँ पर काम ही नहीं है, यहाँ वहाँ पर उनके मारते, वहाँ पर उनका कुछ नहीं है भाई, सारा इस्लाम है, तो कौन आएगा गैर मुस्लिम को? इंडिया से कौन आएगा, फिर उसके बाद इसराइल या फिर अमेरिका से कौन आएगा भाई? बहन इसलिए वो मुसलमान नहीं, हम मुसलमान हैं, हम गद्दार हैं, अजलों से बिकते हैं तरीक से, कोई तरीक पाल लो मुसलमान बोता भी क्या है। नॉन मुस्लिम कभी भी गद्दार नहीं हो सकता, नहीं होता, मुसलमान होएगा, तरीक पड़े मेरी बहन। इंडिया से बेहतर है क्योंकि वो अगर यहाँ 1,000 अरब की डॉलर की सरमायाकारी करते हैं ना, तो वहाँ वो 10,000 अरब डॉलर की सरमायाकारी करते हैं। इंडिया जिसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया हुआ है।